ओम शांति। 17 जनवरी के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। आज का गीत है, शांति। शिव भगवान आज अपने सालिग्रामों प्रति, शिव और सालिग्राम को तो सब मनुष्य जानते हैं, दोनों निराकार हैं। अब कृष्ण भगवान आज कह नहीं सकते भगवान एक ही होता है, तो शिव भगवान आज किसके प्रति? रूहानी बच्चों प्रति। बाबा ने समझाया है, बच्चों का अब कनेक्शन है ही बाप से, क्योंकि पतित पावन ज्ञान का सागर, स्वर्ग का वर्षा देने वाला तो शिव बाबा ही ठहरा। याद भी उनको करना है, ब्रह्मा है उनका भाग्यशाली रथ, रथ द्वारा ही बाप वर्षा देते हैं। ब्रह्मा वर्षा देने वाला नहीं है, वह तो लेने वाला है। तो बच्चों को अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। मिसला समझो, रथ को कोई तकलीफ होती है, वह कारणे अकारणे बच्चों को मुरली नहीं मिलती है, तो बच्चों का सारा अटेंशन जाता है शिव बाबा तरफ। वह तो कभी बीमार पड़ नहीं सकते, बच्चों को इतना ज्ञान मिला है वह भी समझा सकते हैं। प्रदर्शनी में बच्चे कितना समझाते हैं, ज्ञान तो बच्चों में है ना, हर एक की बुद्धि में चित्रों का ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को कोई अटक नहीं रह सकती, समझो पोस्ट का आना जाना बंद हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, फिर क्या करेंगे? ज्ञान तो बच्चों में है, समझाना है। सतयुग था, अब कलयुग पुरानी दुनिया है। गीत में भी कहते हैं, पुरानी दुनिया में कोई सार नहीं है, इनसे दिल नहीं लगानी है, नहीं तो सजा मिल जाएगी। बाप की याद से सजाएं कटती जाएंगी, ऐसा न हो बाप की याद टूट जाए, फिर सजा खानी पड़े और पुरानी दुनिया में चले जाएं। ऐसे तो ढेर गए हैं जिनको बाप याद भी नहीं है, पुरानी दुनिया से दिल लग गई, जमाना बहुत खराब है। कोई से दिल लगाए तो सजा बहुत मिलेगी। बच्चों को ज्ञान सुनना है, भक्ति मार्ग के गीत भी नहीं सुनने हैं। अभी तुम हो संगम पर, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुमको संगम पर ही ज्ञान मिलता है। दुनिया में यह किसको पता नहीं है कि ज्ञान सागर एक ही है। वह जब ज्ञान देते हैं तब मनुष्यों की सदगति होती है। सदगति दाता एक ही है, फिर उनकी मत पर चलना है। माया छोड़ती कोई को भी नहीं है, देह अभिमान के बाद ही कोई न कोई भूल होती है। कोई सेमी काम वश हो जाते हैं,
कोई क्रोधवश मनसा में तूफान बहुत आते हैं, प्यार करें ये करें, कोई के शरीर से दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो शरीर का भान ना रहे, नहीं तो बाप की आज्ञा का उल्लंघन हो जाता है, देह अहंकार से नुकसान बहुत होता है, इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है, सिर्फ बाप को और घर को याद करना है। आत्माओं को बाप समझाते हैं, शरीर से काम करते मुझे याद करो तो विकर्म भस्म हो जाएंगे, रास्ता तो बहुत सहज है, ये भी समझते हैं तुमसे भूलें होती रहती हैं, परंतु ऐसा ना हो भूलों में फंसते ही जाओ, एक बारी भूल हुई फिर वह भूल नहीं करनी चाहिए, अपना कान पकड़ना चाहिए फिर ये भूल नहीं होगी, पुरुषार्थ करना चाहिए, अगर घड़ी घड़ी भूल होती है तो समझना चाहिए हमारा बहुत नुकसान होगा। भूल करते करते तो दुर्गति को पाया है ना, कितनी बड़ी सीढ़ी उतर कर क्या बने हो, आगे तो ये ज्ञान नहीं था, अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान में सब प्रवीण हो गए हैं, जितना हो सके अंतर्मुखी भी रहना है, मुख से कुछ कहना नहीं है, जो ज्ञान में प्रवीण बच्चे हैं वे कभी पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाएंगे, उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो रावण राज्य का विनाश करना चाहते हैं, यह शरीर भी पुराना रावण संप्रदाय का है तो हम रावण संप्रदाय को क्यों याद करें, एक राम को याद करें, सच्चे पितावृता बने ना। बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पितावृता अथवा भगवान व्रता बनना चाहिए, भक्त भगवान को ही याद करते हैं कि हे भगवान आकर हमें सुख शांति का वर्षा दो, भक्ति मार्ग में तो कुर्बान जाते हैं, बलि चढ़ते हैं, यहाँ बलि चढ़ने की बात तो है नहीं, हम तो जीते जी मरते हैं गोया बलि चढ़ते हैं, ये है जीते जी बाप का बनना, क्योंकि उनसे वर्षा लेना है, उनकी मत पर चलना है, जीते जी बलि चढ़ना वारी जाना वास्तव में अभी की बात है, भक्ति मार्ग में वे फिर कितना जीव घात आदि करते हैं, यहाँ जीव घात की बात नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप से योग लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ, उठते बैठते बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, 100% पास तो कोई हुआ नहीं है, नीचे ऊपर होते रहते हैं, भूलें होती हैं, उस पर सावधानी नहीं मिलेगी तो भूलें छोड़ेंगे कैसे, माया किसको भी छोड़ती नहीं है, कहते हैं बाबा हम माया से हार जाते हैं, पुरुषार्थ करते भी हैं फिर पता नहीं क्या होता है, हमसे इतनी कड़ी भूलें पता नहीं कैसे हो जाती हैं, समझते भी हैं ब्राह्मण कुल में इससे हमारा नाम बदनाम होता है, फिर भी माया का ऐसा वार होता है जो समझ में नहीं आता, देह अभिमान में आने से जैसे बेसमझ बन जाते हैं, बेसमझी के काम होते हैं तो ग्लानि भी होती, वर्षा भी कम हो जाता, ऐसे बहुत भूलें करते हैं, माया ऐसा जोर से थप्पड़ लगा देती है जो खुद तो हार खाते हैं और फिर गुस्से में आकर किसको थप्पड़ व जूता आदि मारने लग पड़ते हैं, फिर पश्चाताप भी करते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तो बहुत मेहनत करनी पड़े, अपना भी नुकसान किया तो दूसरे का भी नुकसान किया, कितना घाटा हो गया, राहु का ग्रहण बैठ गया, अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, राहु का ग्रहण बैठता है तो फिर वह टाइम लेता है, सीढ़ी चढ़कर
फिर उतरना मुश्किल होता है। मनुष्य को शराब की आदत पड़ती है तो फिर वह छोड़ने में कितनी मुश्किलात होती है। सबसे बड़ी भूल है काला मुंह करना, घड़ी घड़ी शरीर याद आता है। फिर बच्चे आदि होते हैं तो उनकी ही याद बनी रहती है। वह फिर दूसरों को ज्ञान क्या देंगे, उनका कोई सुनेंगे भी नहीं। हम तो अभी सबको भूलने की कोशिश कर एक को याद करते हैं। इसमें संभाल बहुत करनी पड़ती है। माया बड़ी तीखी है, सारा दिन शिव बाबा को याद करने का ही ख्याल रहना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, हमको जाना है, ये शरीर भी खत्म हो जाना है। जितना बाप को याद करेंगे तो देह अभिमान टूटता जाएगा और कोई की भी याद नहीं होगी। कितनी बड़ी मंजिल है, सिवाय एक बाप के और कोई के साथ दिल नहीं लगानी है। नहीं तो जरूर वह सामने आएंगे, वैर जरूर लेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है, कहना तो बड़ा सहज है। लाखों में कोई एक दाना निकलता है। कोई स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, जो अच्छी मेहनत करेंगे जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। साक्षी हो देखना है कैसे सर्विस करता हूँ। बहुत बच्चे चाहते हैं जिस्मानी सर्विस छोड़ इसमें लग जावें, परंतु बाबा सर्कमस्टांस भी देखते हैं। अकेला है, कोई संबंधी नहीं है तो हर्षा नहीं, फिर भी कहते हैं नौकरी भी करो और यह सेवा भी करो। नौकरी में भी बहुतों के साथ मुलाकात होगी। तुम बच्चों को ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, बच्चों द्वारा भी बाप बहुत सर्विस कराते रहते हैं। कोई में प्रवेश कर सर्विस करते हैं, सर्विस तो करनी ही है। जिनके माथे मामला, वो कैसे नींद करें। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योत। बाप कहते हैं मैं तो दिन रात सर्विस करता हूँ, थकता शरीर है, फिर आत्मा भी क्या करे, शरीर काम नहीं देता है। बाप तो अथक है ना, वह है जागती ज्योत, सारी दुनिया को जगाते हैं। उनका पाठ ही वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चों में भी थोड़े जानते हैं। कालों का काल है बाप, उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो धर्मराज से डंडा खाएंगे। बाप का मुख्य डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो, परंतु देह अभिमान में आकर बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते तुम खुद सर्वेंट हो, यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ सुख कम हो जाएगा। आदत पड़ जाती है तो सर्वेंट बिगर रह नहीं सकते हैं। कई कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु बाप कहते हैं डिपेंड रहना अच्छा है। तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो, इंडिपेंडेंट बनने से गिर पड़ते हैं। तुम सब डिपेंड करते हो शिव बाबा पर, सारी दुनिया डिपेंड करती है। तब तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, उनसे ही सुख शांति मिलती है, परंतु समझते नहीं है। यह भक्ति मार्ग का समय भी पास करना ही है। जब रात पूरी होती है तब बाप आते हैं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाप कहते हैं मैं इस ड्रामा को जानने वाला हूँ, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। सत्युग से लेकर यह ज्ञान प्रायलोप है। अभी तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है भक्ति। बाप को नॉलेजफुल कहते हैं, हमको वह नॉलेज मिल रही है। बच्चों को नशा भी अच्छा होना चाहिए, परंतु यह भी समझते हैं कि राजधानी स्थापन होती है। कोई तो प्रजा में भी साधारण नौकर चाकर बनते हैं, जरा भी ज्ञान समझ में नहीं आता। वंडर है ना, ज्ञान तो बड़ा सहज है,
84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब जाना है अपने घर। हम ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं, सारे ड्रामा को जान गए हैं। सारे ड्रामा में हीरो हीरोइन एक्टर हम हैं। कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें। पढ़ाई में ऐसा होता है, कोई नापास हो जाते हैं। कितना बड़ा स्कूल है, राजधानी स्थापन होनी है। अब जितना जो पढ़ेंगे बच्चे जान सकते हैं, हम क्या पद पाएंगे। ढेर के ढेर हैं, सब वारिस तो नहीं बनेंगे। पवित्र बनना बड़ा मुश्किल है, बाप कितना सहज समझाते हैं। अब नाटक पूरा होता है, बाप की याद से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनना है। जितना हो सके याद में रहना है, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर बाप के बदले और को याद करते हैं। दिल लगाने से फिर रोना भी बहुत पड़ता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, ये तो खत्म होनी है, ये और कोई को पता नहीं है। वे तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत समय चलना है। घोर नींद में सोए पड़े हैं, तुम्हारी यह प्रदर्शनी प्रजा बनाने के लिए विहंग मार्ग की सर्विस का साधन है। राजा रानी भी कोई निकल पड़ेगा, बहुत हैं जो सर्विस का अच्छा शौक रखते हैं। गरीब कोई साहूकार हैं, औरों को आप समान बनाते हैं, उनका भी फायदा तो मिलता है ना। अंधों की लाठी बनना है, सिर्फ यह बतलाना है कि बाप और वर्षे को याद करो। विनाश सामने खड़ा है, जब विनाश का समय नजदीक देखेंगे तब तुम्हारी बातों को सुनेंगे। तुम्हारी सर्विस भी वृद्धि को पाती जाएगी, समझेंगे बरोबर ठीक है। तुम रड़ियां तो मारते रहते हो कि विनाश होना है, तुम्हारी प्रदर्शनी मेला सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। कोशिश करनी है कोई अच्छा हॉल मिल जाए, किराया देने के लिए तो हम तैयार हैं। बोलो तुम्हारा और ही नाम बाला होगा। ऐसे बहुतों के पास हॉल पड़े होते हैं, पुरुषार्थ करने से 3 पैर पृथ्वी के मिल जाएंगे। जब तक तुम छोटी छोटी प्रदर्शनी रखो, शिव जयंती भी तुम मनाएंगे तो आवाज होगा। तुम लिखते भी हो शिव जयंती की छुट्टी का दिन मुकरर करो। वास्तव में जन्मदिन तो एक का ही मनाना चाहिए, वही पतित पावन है। स्टैंप भी वास्तव में असली यह त्रिमूर्ति की है। सत्यमेव जयते, ये है विजय पाने का समय। समझाने वाला भी अच्छा चाहिए। सभी सेंटर्स के जो मुख्य हैं उन्हों को अटेंशन देना पड़े, अपनी स्टैंप निकाल सकते हैं। ये है त्रिमूर्ति शिव जयंती। सिर्फ शिव जयंती कहने से समझ नहीं सकेंगे। अब काम तो बच्चों को ही करना है, बहुतों का कल्याण होगा तो कितनी लिफ्ट मिलेगी। सर्विस की लिफ्ट बहुत मिलती है, प्रदर्शनी से बहुत सर्विस हो सकती है। प्रजा तो बनेगी ना, बाबा देखते हैं सर्विस पर किन बच्चों का अटेंशन रहता है, दिल पर भी वही चढ़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल ना हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। दूसरी पॉइंट,
सच्चा पिता व्रता बनना है, जीते जी बलि चढ़ना है, किसी से भी दिल नहीं लगानी है, बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। वरदान, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपने पन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टीकरण, मास्टर रचयिता की पहली रचना यह देह है, जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपने पन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। स्लोगन, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। ओम शांति। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, कोई भी कर्म करो, बोल बोलो व संकल्प करो, तो पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। ऐसे फॉलो फादर, अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से, दृढ़ता और निश्चय की शक्ति से श्रेष्ठ पोजीशन पर रहे। ऑपोजिशन को समाप्त कर दो तो अव्यक्त स्थिति सहज बन जाएगी। ओम शांति।